क्या नीट एग्जाम फिर से होगा? ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अभी सारे स्टूडेंट मेरे से यही कमेंट कर रहे हैं कि सर नीट एग्जाम क्या फिर से हो सकता है क्या? तो मैं आपको पूरी बारीकी चीज़ बताने वाला हूँ कि क्या क्या सिचुएशन हुई है और पेपर लीक हुआ है कि नहीं हुआ, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हाँ, पेपर लीक हुआ है और ये ऑफिशियल है कि पेपर लीक हुआ है, बट अभी NTA इस चीज़ को छुपा रही है बिकॉज वो नहीं चाहती कि ये सारी चीज़ें सबको बाहर आए और बच्चे प्रोटेस्ट करें। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम पठान फरमान खान एंड आई एम करंटली परसुइंग MBBS फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज वानापर्थी तेलंगाना। तो सारे स्टूडेंट जो पूछ रहे थे, मैं आपको बता देता हूँ कि साल बच्चे साल साल भर मेहनत करते हैं। इतने सारे मेरे से जिनसे भी कॉन्टैक्ट से सबसे बात हुई, उन्होंने बहुत अच्छे से मेहनत करी। कई स्टूडेंट का सिलेक्शन भी हुआ है और कई स्टूडेंट का नहीं भी हुआ है। तो जिनका नहीं हुआ है वो घबराने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यही लाइफ होती है। आपको फेलियर मिलते हैं पर उसके बाद आपको सक्सेस मिलती है। सेम मेरे साथ हुआ था, मुझे भी फेलियर मिले थे और सक्सेस मिली थी। तो बस वो चीज़ें होती है, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। आपकी किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा एक दिन, वो चाहे आपकी नेक्स्ट ईयर क्यों ना हो। तो आपको मेहनत करते रहना है, घबराने की जरूरत नहीं है। सारा मैसेज उन स्टूडेंट्स के लिए जो बड़े परेशान हैं और जो मुझे मैसेजेस कर रहे थे कि सर मेरा क्या होगा, मैं बहुत बड़ा लूज़र हूँ, मैं बहुत बड़ी लूज़र हूँ। नहीं, आप कोई लूज़र नहीं है। दिस इज़ द फेज़ ऑफ योर लाइफ। आपको यही टैकल करना है। अगर आपने ये फेज़ ऑफ लाइफ टैकल कर लिया तो आपने सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैकल कर ली अपनी ज़िंदगी की, बिकॉज दिस इज़ द फेज़ व्हेन एवरीवन थिंक दैट ही कांट मेक इट, बट यू हैव टू डू इट एंड यू हैव टू मेक इट। ओके, इतना सारे पैसे लेते हैं पर सारी चीज़ें मिसकम्युनिकेट होती हैं। कभी एडमिट कार्ड नहीं आ रहा, एडमिट कार्ड आता तो साइन नहीं आता, फोटो एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं होता, बहुत सारी मिसकम्युनिकेशन हो जाती हैं। पता नहीं क्यों होती है, ये तो हर साल का NTA का एक प्रॉब्लम है। बट हुआ क्या है कि एक मैं आपको मेजर प्रॉब्लम्स बता देता हूँ नीट 2024 के अंदर एग्जैक्टली हुआ क्या था। एक तो चीज़ थी कि भाई एक जो राजस्थान के अंदर सवाईमाधोपुर शहर है जहाँ से एक पेपर जो था वो उनको दूसरा दे दिया गया था, मतलब जो सारे स्टूडेंट्स को मिला था वो कोड का नहीं था, वो किसी और कोड का उनको एग्ज़ाम दे दिया गया और वो हिंदी मीडियम का पेपर स्टूडेंट्स थे लेकिन उनको पेपर पूरा इंग्लिश में मिला। तो उन बच्चों ने हंगामा किया और वो बच्चों से पेपर बाहर आया। पेपर बाहर आया तो उन बच्चों के लिए NTA ने क्लेरिफिकेशन जारी किया था कि उनका पेपर वापस ले लिया गया। तो उनका 5th of May 2024 को ही पेपर वापस ले लिया गया। अब उसके बाद क्या हुआ है, कल ही एक न्यूज़ आई है कि पटना बिहार के अंदर ऐसा एक स्कैंडल पकड़ा गया एक तरह से, जिसके अंदर आपके पेपर उनके पास ऑलरेडी था उनके पास और वो सॉल्व करा रहे थे, बच्चों को रटवा रहे थे। ये पूरा अभी मामला डिटेन किए गए सारे बहुत सारे पीपल और ये पूरा एक स्कैम था पूरा। तो अब इसकी कितनी ज़्यादा क्लैरिटी है वो अभी तक नहीं दी गई है, बट फॉर श्योर पेपर लीक हुआ है। बिकॉज जब 3 बज रहे थे, जब 3 बजे ट्विटर खोला तो उसके अंदर सारे पेपर बाहर थे, सारे क्वेश्चंस बाहर थे नीट के। तो ये कैसे पॉसिबल है? तो कहीं ना कहीं से क्वेश्चंस तो लीक हुए हैं और ये पहले ही लीक हो गए थे, लाइक सुबह 9 बजे 9:30 बजे। सो दिस इज़ ऑलमोस्ट ट्रू एंड अभी देखते हैं क्या क्लैरिफिकेशन आता है NTA का। आपको क्या लगता है आप मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर कि सर हमें क्या करना चाहिए, तुम्हें क्या लगता है? बिकॉज जो स्टूडेंट जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो वो तो सोचेंगे कि भाई पेपर वापस हो जाए, वापस रीनीट हो जाए ताकि हमें एक एडवांटेज मिल जाए, और कई स्टूडेंट जिनका पेपर अच्छा गया है तो वो चाहेंगे कि उनका पेपर वापस नहीं हो। एंड लाइक नीट 2015 के अंदर भी पेपर लीक हुआ था बिहार से ही, तो उनका पेपर वापस हुआ था, पूरे सबका re-AIPMT हुआ था 2015 के अंदर। 16 के अंदर भी फेज़ वन और फेज़ टू हुआ था। सिमिलरली 2024 के अंदर भी यही सिचुएशन क्रिएट हो गई है। अब बच्चों के अंदर बहुत केओस है और कन्फ्यूज हैं, बट जो भी अपडेट होगी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। एंड दिस इज़ द होल इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू टू सॉल्व योर ऑल डाउट्स। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपको क्या करना है ये आपके ऊपर डिसीजन है, बिकॉज इसमें मैं अनबायस हूँ, मैं किसी के लिए हाँ किसी के लिए ना नहीं कर सकता। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छे से अपने आप को काउंसलिंग के लिए करवाना है तो मैं आपके लिए रेडी हूँ। जिसको भी काउंसलिंग करवानी है आप कमेंट सेक्शन में बताना कि सर मुझे काउंसलिंग करवानी है, आई एम वेरी रेडी एंड आपकी पूरी हेल्प करूँ। आपको एक ड्रीम मेडिकल कॉलेज जो आप डिजर्व करते हो आपके रैंक के अकॉर्डिंग आपको मैं दिलवाऊँ। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत स्टूडेंट्स को मेडिकल कॉलेज तक पहुँचाया है, ऑलमोस्ट 500 स्टूडेंट, और मैं इस बार भी चाहूँगा कि ये 500 से लेके 1500 पहुँचे। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि बहुत बच्चों का बहुत अच्छा सिलेक्शन हुआ, उनके बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस आए कि सर मेरा सिलेक्शन हुआ, आपने मेरी बहुत हेल्प करी एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं आपके लिए इतना कर पाया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024 काउंसलिंग। सो बाय।